एक गीत जो मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि एक गीत, दीप माला जी अब तक जो मैंने गीत गाए वो आपके मिजाज के थे। आइए, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हिसाब का गीत गा लूं और मेरे सामने जो बैठे हैं उनके हिसाब का गीत गा लूं। गीत का जो कथानक है वो महाभारत से ही है, लेकिन उस गीत में एक ऐसे पात्र का दर्द है जैसे आज हमारे घर का कोई मुखिया होता है। रोहित भैया, जो घर का मुखिया होता है और जब वो अपने घर परिवार को विघटन देखता है, विघटित देखता है, कोई सुन नहीं रहा होता, उसकी चल नहीं रही होती है, तो वो सोचता है, कोई आकर के पूछता है, बाबा कैसे हो? बोले क्या बताएं, अब तो जिंदा रहा नहीं जाता, लेकिन पता नहीं क्या क्या देखने के लिए लिखा होता था। आइए वहां से गीत है सुने। और वो महाभारत के प्रिय पात्र हैं, मेरे प्रिय पात्र हैं और भगवान की कृपा पात्र हैं, पितामह भीष्म। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के वाणों के द्वारा पितामह भीष्म सरसैया पर लेट गए कि प्राणों प्यारे पारत के थे झेले बाण पितामह ने और सरसैया पर पड़े हुए ना छोड़े प्राण पितामह ने कि सारी मनोकामनाओं का कीना दमन पितामह ने और सूर्य दक्षिणायन के गोता कीना नमन पितामह ने। पितामह भीष्म का अंतिम समय आता है कि सोच रहे देवता आज क्या कीना हाल पितामह ने और माँ गंगा को भी अचरज में दीना डाल पितामह ने। भीष्म पितामह अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले निश्चेष हो गए। माँ गंगा को लगा, माँ गंगा को लगा कि मेरा बेटा सारे जीवन जिसने प्रण को निभाया, क्या अंतिम समय अपने प्रण को भूल गया? अरे अभी तो सूर्य इधर से उधर नहीं हुआ है, क्या ये चला गया? कहीं भीष्म पितामह ने अपने प्राण को नहीं त्याग दिए? के माँ भेजे ऋषि हंस बनाए समझी चाल पितामह ने, ऋषियों को भेजा, जाओ तुम हंस बन करके जाओ और देख करके आना मेरे बेटे ने प्राण तो नहीं त्यागे। कि माँ भेजे ऋषि हंस बनाए समझी चाल पितामह ने तो धीमे धीमे लहरा दीने सिर के बाल पितामह ने। कि कर ले संका समाधान और ते खोले नैन पितामह ने और नैनों में भर नीर वहां तब बोले बैन पितामह ने। आप दस देखिए, पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं, हंस आकर के, ऋषि जो थे हंसों के रूप में आकर इधर उधर घूम रहे हैं। पितामह भीष्म बोले, देखने आए हो कि मैं मर तो नहीं गया ना? अरे ऐसा मेरा भाग्य कहां है? अब एक बुजुर्ग का दर्द सुनिए दादा, जिसने अपने परिवार को झेला है। कोई कहता है कि आजा Thank you.
किसी और से मिलने के बहाने पितामह भीष्म कहते हैं कर ले शंका समाधान पे खोले नैन पितामह ने अपने नौ में बंदीर वहां तब बोले नैन पितामह ने क्या बोले दुख की आग में दहने के लिए जलता हूँ दुख की आग में दहने के लिए जलता हूँ और जाने किस दर्द को सहने के लिए जाने किस दर्द को सहने के लिए जलता हूँ जाने किस दर्द को सहने के लिए जलता हूँ दुख की आग में तहने के लिए जिंदा हूँ और जाने किस दर्द को सहने के लिए जिंदा हूँ ये भीष्म पितामह का अंतर द्वंद सुनेगा जन्म से पूर्व क्या क्या नहीं मिला मैंने जन्म से पूर्व मेरे भाई मेरी मामा जन्म से ये 51 रुपए आदरणीय भैया जयपाल सिंह पटेल इस गीत के लिए स्पेशली प्रदान कर रहे हैं और ये 501 रुपए का बड़ा आदर और सम्मान के साथ पुरस्कार जो आपके इसी बरेली जनपद में प्रॉपर बरेली में ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है बहुत दिन से आपके नजर की सेवा कर रहे हैं मेरे शिष्य भी हैं मैंने इंटर कॉलेज में पढ़ाया भी है और आप संयोग बना के जब इन्होंने व्हाट्सएप पर देखा आपका प्रचार प्रसार देखा तो पता कार्यक्रम है तो आए हैं उन्होंने मेरा मान सम्मान किया है परमात्मा सदैव भी आपको शक्ति और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रखे अब देखिए बुजुर्ग का दर्द देखिए भीष्म पितामह का अंतर शुद्ध देखिएगा जन्म से पूर्व मेरे भाई मेरी मामा रे छोड़ा दे जन्म माता मन में निठुर धारे पिता ने पाला मुझे माता की ममता न मिली बचपन में और फिर जब बड़ा हुआ तो रहा ब्रह्मचारी गृहस्थी की भी बगिया न खिली बस यही सुनने और कहने के लिए जिलता हूँ अरे जान किस दर्द को सहने के लिए जन्म से पहले भाई मारे जा चुके जन्म दिया माँ ने छोड़ दिया बड़ा हुआ ब्रह्मचारी रहना पड़ा और अब क्या क्या नहीं हुआ मेरे सामने एक बुजुर्ग का दर्द देखिए साहब मेरी आंखों के आगे कितना ये अन्याय हुआ मेरी आंखों के आगे कितना ये अन्याय हुआ मेरी आंखों के आगे कितना ये अन्याय हुआ दादा एक बुजुर्ग अपना दर्द कह रहा है भीष्म पितामह के माध्यम से मेरी आंखों के आगे इतना ये अन्याय हुआ पांडु पुत्रों के प्रति पल भर भी अन्याय हुआ फूट जाती ये आंखें तन का सुख जाता लहू रोहित भैया अपने को कोस रहे हैं भीष्म पितामह फूट जाती ये आंखें तन का सुख जाता लहू क्यों नग्न होते सभा में देखी अपने कुल की नग्न होते अपने कुल की नग्न होते सभा में देखी मैंने कुल
जाता लहू, नग्न होते सभा में देखी अपने कुल की वधू। कर्मों के फल को कर्म के फल को ही कहने के लिए जिंदा हूँ, जाने किस दर्द को सहने के लिए इतना ही नहीं, मैंने क्या क्या नहीं झेला। छोटे परिवार को एपी पटेल जी भीष्म पितामह कह रहे हैं, एक बार के लिए मेरा परिवार मेरा पक्ष समाप्त हो रहा था, लेकिन छोटे परिवार को सम्मुख मैंने बढ़ते देखा। लेकिन दुर्भाग्य ये है, छोटे परिवार को सम्मुख मैंने बढ़ते देखा, बढ़े परिवार को आपस में ही लड़ते देखा, बड़े परिवार को आपस में ही लड़ते देखा, बड़े परिवार को आपस में ही लड़ते देखा। जाने किसकी लगी नजर थी मेरे सपनों को, जाने किसकी लगी नजर थी मेरे सपनों को, अपनों के हाथों मरते देखा मैंने अपनों को, के दर्द के गर्त में, दर्द के गर्त में रहने के लिए जिंदा हूँ, जाने किस दर्द को सहने के लिए और इस भावुक गीत के लिए श्री जंग बहादुर मान सिंह जी नगर निगम बरेली ये माता रानी के चरणों में 21 रुपए भेंट कर रहे हैं। माता रानी सदैव ही आपके भंडार भरे रहे। और अंतिम 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 सोच सुनेगा दीपक भैया, पाप है पूर्व जन्म का ये मैंने जान लिया, क्या मैंने मान लिया कि मैंने एक बार एक तुम ही को अपने बाण की नोक पर लेकर बेरिया के ऊपर डाल दिया था, जितने दिन तक उस के वो कांटे चुभते रहे उतने ही दिन तक मुझे बाणों की सरसरिया पर लेटना पड़ा है। पाप है पूर्व जन्म का ये मैंने जान लिया, कांटों का बदला बाण सैया मैंने मान लिया, कांटों का बदला बाण सैया मैंने मान लिया, कांटों का बदला बाण सैया मैंने मान लिया। और आज ये हमारे नाल वादक बिल्कुल नन्ना मुन्ना बच्चा है, बाल जरूर बड़े कर लिए हैं, अभी उम्र बहुत छोटी है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है, भाई जेपी जी ने और पुजारी जी ने उन्हें सम्मानित किया है। भीष्म पितामह कहते हैं, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा जेपी भैया, प्रभु का सानिध्य मेरे कोई काम ना आए, डर है राकेश कायरों में नाम ना आए। और अब माँ के तक बिंदु में
दर्द के दर्द में रहने के लिए जिंदा हूँ, माँ के दर्द बिंदु में बहने के लिए जिंदा हूँ, जान किस दर्द को कहते भक्त और भगवान की जय। एक कट पीस मेरा मन कर रहा है और रिवाज भी है, तो एक छोटा सा कट पीस और सुन लीजिएगा। पुरानी है लेकिन कट पीस कुछ नया सा है। ये भाग कितने में आएगा? भाग कितने में आएगा? एक ही में आएगा सब, सभी में। हाँ, कट टू कट आएंगे सब रे। कि रावण में राम जी की जानकी को चुराया और उनको छुड़ाने राम का दल लंका में आया। दीपक भैया, राजवीर भैया इस कट्टी को सुनेगा। अरमान दसानंद के समर में ते झर गए, बलवान भाई बंधु एक एक करके मर गए, तब राम और रावण का युद्ध होने लगा है। लेकिन उस युद्ध में परिणाम राम के विरुद्ध होने लगा है। क्यों होने लगा? क्योंकि शरण रघुवर के समर में होते थे वे असर, शरण रघुवर के समर में होते थे वे असर। क्यों? एक ही पंक्ति में चार क्रिया है दीपक भैया। सर रघुवर के समर में होते थे वे असर, तट नभ में उड़ते हंसते फिर जुड़ते रावण के सर। चिंतित हुए राघव लखे मन डोलने लगे, और राघव से तब विभीषण ऐसे बोलने लगे, रावण से तब विभीषण ऐसे बोलने लगे। और जेपी भैया तुम सुनेगा। कि न महसूस होता ये गम जिंदगी का, जिंदगी का ना एहसास होता खुशी में खुशी का, ये प्रीतम की गलियां नहीं ना सही, मुकद्दर में कलियां नहीं ना सही, ये चुन चुन के कांटों की माला ना पिरोता अगर दिल हमारा के बदले पत्थर का होता, पत्थर का होता तो टूटता ना फूटता, टूटता ना फूटता ना मानता ना रूठता ना बार बार हंसता न जार जार रोता, अगर दिल हमारा के बदले पत्थर का होता, पत्थर का होता तो टूटता दिल हमारा। चिंतित हुए राघव लखे मन डोलने लगे, और राघव से तो विभीषण ऐसे बोलने लगे। क्या बोलने लगे चंद्रवान भैया? क्या बोलने लगे सुनते जाएगा। अच्छा
जाते जाते सुन लीजिएगा आप भाई। नहीं इस तरह सोच में आप पढ़ते, यही बात है बेटा। नहीं इस तरह सोच में आप पढ़ते, राजू भैया कटे सिर अक्कर फिर नहीं जुड़ के लड़ते, नहीं कोई वर काम आता प्रभु जीवित न दस मुख दिखाता, सुनो प्रभु नहीं कोई वर काम आता प्रभु और जीवित न दस मुख दिखाता प्रभु, निश्चय ही मृत्यु के दल दल में फंसता, कब ये निश्चय ही मृत्यु के दल दल में फंसता, कब अगर सर तुम्हारा, अगर सर तुम्हारा गर्दन के संग में नाभि में धसता, नाभि में धसता न जुड़ता न जोड़ता, नाभि में धसता न जुड़ता न जोड़ता, जुड़ता न जोड़ता न मुड़ता न मोड़ता, न मुड़ता न मोड़ता न बार बार उड़ता न बार बार हंसता, अगर सब तुम्हारा के बदले जुड़ता, अगर सर तुम्हारा नाभी के संगमा, अगर सर तुम्हारा गर्दन के बदले नाभी में धसता, नाभी में धसता न जुड़ता न छोड़ता, मुड़ता न मोड़ता न बार बार उड़ता न बार बार हंसता। माँ के दरबार में अर्पित किए गए हैं, माता रानी सदैव ही आपके भंडार भरे रहे, ऐसी मनोकामनाओं के साथ एक बार फिर संचालक महोदय और उसके बाद अगली कार्यवाही। बहुत सुंदर कार्यक्रम है पूज्य गुरुदेव जी, दोनों पार्टियों के सुनने के बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सबको माँ की एक दुआ मिल गई, हम सबको माँ की एक दुआ मिल गई, तब तक मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ऐसा लगा हम सबको, आप दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ऐसा लगा हमको जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। आदरणीय आदरणीय दीप माला जी, अभी जो गुरुदेव ने गीत गाया था भीषम पितामह, तो उसका आपको जवाब नहीं देना है, उस जगह पे जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे वो गीत गाएं और बाकी जवाब देना है। इस गीत का कोई जवाब नहीं देना है, इस गीत की जगह पे जो आपको अच्छा लगे अपनी इच्छा से। बहुत सुंदर, धन्यवाद।